तो एक बार ये करते हैं इन पांच को, फिर हम वापस अपने विषय पे आ जाएंगे। 71 शुभ परिणाम अधिकार की गाथा है। मैं नहीं सॉरी क्या कहाँ से, हाँ मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है सीत से करूँ परिहार क्या, मैं साराय स्वाणु क्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान सरच दे। इसके प्रवचन सार की भी बोलूंगी एक बार। सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। तो प्रवचन सार जी जो ग्रंथ है इसमें बहुत ही सुंदर विषय आया है। इसमें से 71 से 75 गाथा का जो एक प्रकरण है वो ही लेने वाली हूँ, टोटल नहीं लेंगे हम। तो हाँ अभी एक बीच में ले रही हूँ। ये बहुत ही मार्मिक विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत वैराग्य प्रेरक है और संसार की असारता भी बताता है। तो मुझे बहुत स्ट्रांग विकल्प आया था ये लेने का। इसका मैं एक आपको ब्रॉड इस गाथा तक क्या विषय वस्तु है उसका एक हाई लेवल बता देती हूँ और फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड मिल जाए थोड़ा कि क्या विषय चल रहा है। तो प्रवचन सार ग्रंथ में सबसे पहले वो शुद्धोपयोग की महिमा गाते हैं कि एक शुभोपयोग है एक अशुभोपयोग है। तो वो कहते हैं कि जो शुद्धोपयोग रूप से परिणत आत्मा है वो ही संसार को छोड़कर कर्मबंध को नाश कर स्वयं अरहंत और सिद्ध बन के अनंत सुखी हो सकता है। तो शुद्धोपयोग की बहुत महिमा गाते हैं अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले जो गाथा आती है 6-7 नंबर में, तो वो प्रकरण में पहले आती है कि चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समुति निर्दिक्थो, के चारित्र ही धर्म है और वो धर्म कैसा है कि समता भाव रूप है। मतलब समता भाव ही असली धर्म है और वो समता भाव कैसा है कि मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से जो विहीन भाव है वो ऐसा जो आत्मा का भाव वो ही समता भाव है। मोह में आता है मिथ्यात्व यानी दर्शन मोह, क्षोभ में आता है चारित्र मोह यानी कि राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष से भिन्न, यानी पहले तो मिथ्यात्व गया, फिर ये जो राग और द्वेष है वो गया, और फिर उसके बाद में जो समता भाव है वो ही शुद्धोपयोग है, वो ही चारित्र है, वो ही डायरेक्ट साक्षात मोक्ष मार्ग है, ये चर्चा आई। फिर वो आता है इसके बाद कि वो शुद्धोपयोग के फल में क्या मिलता है जीव को, तो दो चीजें मिलती है, एक मिलता है अतीन्द्रिय ज्ञान और एक मिलता है अतीन्द्रिय सुख। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो है केवल ज्ञान रूप, तो पूरा फिर ज्ञानाधिकार में केवल ज्ञान का स्वरूप आता है कि किसको जानता है, कैसे जानता है, किस रूप में जानता है, कैसे एकत्र नहीं होता है, पूरी डिटेलिंग आती है केवल ज्ञान की, सर्वज्ञ सिद्धि भी इसमें एक तरीके से है। और फिर सुखाधिकार में आता है पूरा उसका जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है उसका स्वरूप कैसा है। तो अब उसके बाद शुभ परिणाम अधिकार जो आता है सुख अधिकार के बाद, उसमें सुख अधिकार के बाद ही चर्चा आती है कि जो इंद्रिय सुख है वो भी तो सुख है ही ना, दो प्रकार का सुख है, एक अतीन्द्रिय सुख जैसे ज्ञान दो प्रकार का है, एक इंद्रिय ज्ञान एक अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान क्या होता है सबको पता है जिससे हम जानते, अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है इंद्रियों के अवलंबन और पराधीनता के बिना जो डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान होता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान। ऐसे ही इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख,
तो इंद्रिय सुख है जो आपको पांच भोग और शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है, और अतीन्द्रिय सुख है जो आपको डायरेक्ट आत्मा से निकलता है, यानी कि जिसमें कोई इंद्रिय के विषय भोगों की शरीर की पराधीनता बिल्कुल भी नहीं है, वो है अतीन्द्रिय सुख। तो वो बोलते हैं इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हेय है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपाधि। इंद्रिय सुख और हेय है बराबर समझो, लेकिन इंद्रिय ज्ञान क्यों हेय है, इसके बिना हम पढ़ेंगे कैसा? उसकी भी चर्चा इसमें बहुत डिटेल में आई है, और अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो वो भी पराधीन है, वो भी क्षयोक्षम रूप है, वो भी पर के प्रति है। इंद्रिय पर को जानने में ही अवलंबन हो सकती है, स्व को जानने में इससे बाधा ही उत्पन्न कर सकती है, सीमित है, बाधा सहित है। तो जैसे लेकिन जब अतीन्द्रिय ज्ञान की बात आती है तो अवधि ज्ञान और मनोपरय ज्ञान भले ही आत्मा से डायरेक्ट होता हो लेकिन उसको भी उपादेय नहीं कहा, क्योंकि वो भी पर के प्रति ही ट्रेंड है, तो इसलिए वो भी हमारा लक्ष्य नहीं है। सिर्फ अतीन्द्रिय ज्ञान में एकमात्र केवल ज्ञान है, बाकी हम जो हमने नहीं बोला उसको उपादेय, बिल्कुल नहीं बोला है, अतीन्द्रिय ज्ञान होना। हाँ अतीन्द्रिय ज्ञान, लेकिन वो अतीन्द्रिय ज्ञान स्व के प्रति भी ट्रेंड होता है, उसमें सब भी झलकते हैं, उसमें भी जब ज्ञानाधिकार आता है तो पूरी चर्चा आती है कि चाहे केवल ज्ञानी का ज्ञान हो चाहे शुद्ध केवली का आत्मा का ज्ञान हो, उन दोनों में भी आत्मा को जानना तो सेम ही हो रहा है, ज्ञान तो ज्ञान ही है, इसलिए वो अतीन्द्रिय ज्ञान भी उपाधि है। जो शुद्ध केवली का भी आत्मा को जानने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान है वो भी उपाधि है, उपाधि है ना। हाँ हाँ, आत्मा को जानने वाला, पर को जानने वाला नहीं, किसी का भी नहीं, ना केवल ज्ञान का ना इनका। शुद्ध ज्ञान की भी चर्चा उसमें आई है, पर वो विषय में जब वो गाथा लेती तो डिटेल में समझाती, अभी वो नहीं ले रहे हैं हम। अभी जो सुखाधिकार वाला पार्ट है, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, उसमें बहुत ही प्यारा जो वर्णन आया है वो ये आया है कि शिष्य बोलता है कि देखो सुख का अस्तित्व तो है ना, इंद्रिय सुख का भी अस्तित्व है कि नहीं है, पुण्य का अस्तित्व है कि नहीं है, शुभ परिणाम के उदय में जो मुझे पुण्य के उदय से भोग प्राप्त होते हैं इनका अस्तित्व है कि नहीं है, ये बात मजा तो आता है ना, मजा तो आता है ना उसमें। तो वो यहाँ पे प्रूव करेंगे कि जो इंद्रिय से आपको सुख हो रहा है और इंद्रिय से जो आपको दुख हो रहा है उन दोनों में फर्क ही नहीं, कैसे नहीं है वो चर्चा है पांच घंटा। तो मैं इसके साथ ही चलती हूँ तो आपको ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहला पॉइंट, सोखम सहाव सिद्धम रथी सुराणम पी सिद्धम उपदेशे तम देह वेदन अच्छा रमंती विषयेशु रमेशु। सोखम सहाव सिद्धम, सोखम मतलब सुख, सहाव सिद्धम यानी कि स्वभाव से ही सिद्ध है, मतलब स्वभाव से सिद्ध जो सुख होता है। रथी सुराणम पी, रथी यानी नहीं है नास्ती, स्वभाव से सिद्ध जो सुख होता है वो सुराणम पी यानी कि सुराणाम अपी यानी कि देवताओं के भी रथी यानी नहीं है। ऐसा किसने बोला है? केवणी उपदेशे सिद्धम उपदेशे, कि सिद्ध के उपदेश में ये बात है, ये भी सिद्ध है, ये बात उपदेश में आई है। ते देह वेदन अच्छा, वो भी कौन? देव गति के जीव भी। देह वेदन अच्छा, देह वेदन आत्रा मतलब देह की वेदना से आक्रांत है, आर्त है, दुखी है, आर्त ध्यान होता है ना, जैसे आर्त ध्यान तो आर्त है, देह की वेदना से पूरी तरह से ग्रसित है, दुखी है, तड़प रहे हैं उसमें। अब ये समझाएंगे कैसे देह की वेदना में तड़प रहे हैं देवता, क्यों? क्योंकि रमंती विषयेषु रमणेषु, रमंती यानी रमण करते हैं, विशेषु यानी कि विषय भोगों में, रमणेषु यानी कि जो रम्य विषय भोग है,
उनमें। तो इस पूरे का मीनिंग ऐसे हुआ जो मैं आपको हिंदी के अर्थ से ही पढ़ के बताती हूँ। जिनेंद्र देव के उपदेश से ये सिद्ध ही है कि देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है, क्योंकि वे देव पंचेंद्रियमय देह की वेदना से पीड़ित होने से रमणीक विषयों में रमते हैं। अब ये शब्द देखो, पंचेंद्रिय विषयों की वेदना से पीड़ित हैं। पीड़ित है यानी क्या, समझे ना? अब क्या वेदना है बताओ मुझे, देवगति के जीवन बताओ, पंचेंद्रिय के विषयों की क्या वेदना है? मन का बराबर है कि मन की वेदना द्वेष होता है, विषय विषय की बात चल रही है। पंचेंद्रिय देखो, अभी मैं आपको एक 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 सीन बताती हूँ कि आपके पास में सारी भोग्य सामग्री, समझो भोजन सामग्री है, एकदम टेस्टी से टेस्टी खाना आपके सामने रखा हुआ है। कौन सा जो दूसरों को टेस्टी लगे वो नहीं, जो आपको बहुत पसंद हो पर्सनली, जो आपके फेवरेट डिशेज हो, बहुत सजा सजू के सुंदर तरीके से आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है? पुण्य के उदय से मिले, 100% पुण्य के उदय से मिले, खाने की शक्ति भी है आप में, आपके पास हाथ पैर है, स्वस्थ शरीर है जिसमें कि आप जाके खा सकते हो, है? कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कोई बोले ना कि मैं भी हूं, खाना भी है, पर कोई ने रोक दिया मुझे, बीच में दीवार ला दी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल आप चाहो तो यूं उठाओ और यूं खा लो, पर एक प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं नहीं, डायबिटीज भी नहीं है, बोले ना बराबर है, बताओ, नहीं स्वास्थ्य की कोई इश्यू नहीं है, है? भूख नहीं है, बताओ मुझे क्या, एकदम भरा हुआ पेट है, बिल्कुल इच्छा नहीं है खाने की, एक रंच मात्र खाने की, ऐसे एक एक बूंद नहीं खा सकता, ऐसा पेट भरा हुआ है। अब बोलो कि क्या उस भोग का फायदा होगा, भोग सकते खा सकते, यू बिलीव? तो यानी कि यदि आप खाना खा रहे हो तो उसका मतलब एक बात पक्की ये है कि आपको भूख की वेदना है। मेरी बात से जितने भी इंद्रिय के सुख हैं वो इस चीज की अपेक्षा रखते हैं कि उनके अभाव में आपको दुख होगा। भूख का बराबर एक आप बोले ठीक है, चलो समझ, दूसरे बोल, दूसरा कोई भी चार दिन का बोले, चार दिन चलो स्पर्श दे भी चलो समझ सकते कि कर बचड़ा है तो अभी हम बैठे हैं और अभी करने दिए सुनो, वो म्यूजिक आया अच्छा लगा ठीक है, नहीं आया तो कुछ नहीं, जरूरी नहीं आपको वेदना चाहिए तो ही वो म्यूजिक अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति सुनना सुनकर गया तो हेलीकॉप्टर गया ऊपर से तो नहीं नहीं नहीं, अब सुनना सुनना, जो व्यक्ति जितनी गृद्धता से उस भोग में रमा हुआ है, जो व्यक्ति जितने मृत्यु की कीमत पे उस भोग में रमा हुआ है, जो व्यक्ति ये जानता है कि मैंने ये खाया तो मुझे पाप लगेगा, ये अशुभ परिणाम है, ये मुझे भविष्य में नुकसान करेगा, आज अनहेल्दी है, इससे मेरे शरीर में बिगाड़ होने वाला है, फिर भी खा रहा है, बिना इच्छा के खा रहा है, सहज होके खा रहा है, उसको जितना भोग में आपको तल्लीनता नजर आएगी, जितना भोग प्रिय लगेगा उतनी ही बड़ी भूख होगी। भोग का मतलब भूख है, ये बात समझ लेना। ये चक्रवर्ती के वैभव की बात नहीं चल रही है कि आ गया तो सुन लिया तो अच्छा म्यूजिक सुन लिया, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बंद हो जाए तो किसने बंद किया, मैं सुन रहा था। भोग का सुख उतना तब मिलेगा जब उसकी भूख उतनी होगी, जितनी कम भूख उतना भोग का सुख कम। बहुत सुंदर बात है, एकदम संसार का स्वरूप समझना। तुमको मजा कब आएगा कोई भी चीज का सबसे ज्यादा? बहुत ज्यादा उसकी ज्यादा इच्छा, जब उसकी भूख सबसे ज्यादा हुई,
उसकी भूख कम आएगी तो तुम्हें मजा भी कम आएगा, तो पढ़ने का उदय भी कम हुआ है। ये क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ देखो, बहुत तेज भूख लगे और बहुत बढ़िया खाना मिले तो ज्यादा पुण्य का उदय, कि बिल्कुल भूख नहीं हो और खूब खाना मिल जाए ये बड़ा पुण्य का उदय। बता कौन सा पुण्य चाहिए आपको? यानी कि भोग को भूख की अपेक्षा है। संसार का स्वरूप देखो, वो भोग को एंजॉय करने के लिए आपकी भूख की अपेक्षा है। उतना ही मजा कर पाओगे जितनी बड़ी भूख हुई। घर से खाना खा के जाऊं और फिर शादी में जाऊं और बहुत बढ़िया स्प्रेड दिखे तो दुख होता है कि यार दाल रोटी खाने में आज क्यों पेट भर लिया, इतने सारे आइटम तो चखूंगा अभी ना उसमें ही पेट भर जाता है। तो पाप का उदय हो गया ना घर में दाल रोटी खा ली, तो भूख कम तो भोग कम मजा कम, तुमने भोग कम हो गया फिर। अब मुझे ये बताओ कि जितने भी संसार में बड़े से बड़े अनुकूलता वाले जीव हैं, जिनको सब बढ़िया से बढ़िया चीजें मिल चुकी हैं, उनको यदि वो उसमें रम रहे हैं वृद्धता पूर्वक, तो ये बात पक्की है कि नहीं है कि उनको उसकी भूख बहुत थी। एक बात बताऊं आपको, जो देवगति के जीव होते हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो भोग भोगने की जगह केवल ज्ञानी का जो एक कोई समुशरण चल रहा हो वहां जा सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है कि अकृत्रिम जिनालयों में जाके घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है कि वो भी प्रवचन में आके बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं वहीं बैठे हो तो भी। उनके पास ऑप्शन है कि उनको द्वादश शांति होते हैं, उनको सारा ज्ञान ज्ञान सब शास्त्रों का निचोड़ सब पूरा मिल सकता है, तो तत्व चर्चा ही करते रहे। सारे ऑप्शन है उनके पास, क्यों नहीं करते हैं? यदि भोग की इतनी इच्छा नहीं है तो भोग भोगते क्यों है मुझे? हाँ? और कैसी है पता है? और आखिरी छह महीने में पता चलता है कैसी इच्छा थी, तो दुखी होते कि जब पता चलता है कि छूटने वाले हैं तो देखो कैसे तड़फड़ा जाते हैं बिल्कुल। और तो और छोड़ते हैं क्या भोगों को? बता, उनके पास ऑप्शन है ना कि नहीं भोग भोगे तो क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्यों गाना सुनते हैं, क्यों नृत्य देखते हैं, क्यों भोगों में पूरे टाइम बिजी रहते हैं? सुंदर सुंदर चीजें, क्योंकि उनको वृद्धता इतनी है उसके प्रति। तो वो वृद्धता का कष्ट है कि नहीं है, दर्द है कि नहीं है, वेदना है कि नहीं है? शरीर की पंचेंद्रिय भोगों की वेदना है, उससे पीड़ित है वो। क्योंकि वो उससे पीड़ित है इसलिए वहां जाते। देखो एक अजीब सा उदाहरण दूंगी लेकिन बता रही हूं कि जो आदमी रेड लाइट एरिया में जाता है वो वितराग भाव से कैसे जा सकता है बताओ? उसको इच्छा तीव्र तो जा रहा है ना, इच्छा नहीं थी तो फिर उसके वो प्रवृत्ति नहीं दिखती। कोई वहां जाए बोले नहीं मैं तो ऐसे ही इस गली की जगह उस गली में पहुंच गया, क्या ऐसा नहीं होता? क्यों? तुझे पता है लोक विरुद्ध है, तुझे पता है पाप का कारण है, तुझे पता है गलत है, तुझे पता है वाइफ को पता चलेगा झगड़ा हो जाएगा, तुझे पता है ना कि कोई सभ्य आदमी तुझे देख लेगा तो तू बदनाम हो जाएगा, यानी कि उसके रिपरकशन है कि नहीं है? बहुत सारे रिपरकशन है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम है। कोई रिपोर्टर ने तुम्हारी फोटो खींच के छाप दी तो तुम शर्माते हो, बचना चाहते हो कि किसी को पता नहीं चल जाए, इतना सब करते हुए भी जाता है तो उसकी इच्छा तीव्र नहीं है, हम ये कैसे मान ले? नहीं कह कि तुम भोग भोगते हो, भोग गाना सुनते हो, गाना ऐसे ही सुन लिया, आपको पता है ये गाना सुनोगे तो क्या होएगा? गाना सुन लोगे तो पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? पहले तो वहां से शुरू करते हैं कहानी। 100% विश्वास है कि पाप लगेगा कि थोड़ा सा डाउट है? हाँ नहीं, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है ना? तो फिर अच्छा, आज जब आप गाना सुन रहे हो तब कोई निहाल हो जाओगे?
ये तो फेस की तरह चला जाएगा, तो क्षणिक ही है जो भोग है वो क्षणिक है। ऐसा नहीं है ना कि आज भोग भोगा तो 20 साल तक मेरे को शांति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्षणिक भोग है, जितने काल भोगोगे वो समय समाप्त होते ही भोग समाप्त हो जाएगा, लेकिन भविष्य में जो सजा मिलेगी वो क्षणिक नहीं है, वो अनंत संसार की मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको कितना अमूल्य मनुष्य भव है, ये बर्बाद कर दे एक काम में आपको। तो गन्ने की गांठ का उदाहरण दिया था ना एक बार मोक्षण प्रकाशक में, ध्यान है नहीं ध्यान होगा, गन्ने की वो वाली जो गांठ होती है गन्ने का एक पार्ट होता है जो जिसमें उसका बीज होता है, उसको यदि आप चूसोगे तो उसमें से रस कुछ खास नहीं निकल पाता है, बहुत मेहनत करके भी बहुत हल्का सा मुश्किल से मिल पाएगा, लेकिन यदि उसको आप बो दो तो पूरा गन्ने का वृक्ष होगा। तो हमारा जो ये पंचम काल का खास तौर पे और जिस तरीके की हमारी पर्याय है ऐसा मनुष्य भव, तो गन्ने की उस गांठ की तरह, इसमें से खूब भोग चूसना चाहोगे तो बहुत ज्यादा नहीं चूस पाओगे, वैसे कुछ खास नहीं मिलेगा, गाना सुन लोगे तो भी इतना सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस मनुष्य भव को आपने इन्वेस्ट कर दिया अपने भविष्य के लिए, थोड़ा संयम धारण कर लिया, आत्मा का कल्याण कर लिया, तो अनंत काल की गारंटी, तो ऐसे रस भरे गन्ने मिलेंगे। ये जानते हो कि हाँ जानता हूं, अब ये भी जानते हो फिर भी तुम गाना सुनने में अगर अपने मनुष्य भव को बर्बाद करने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी भूख बड़ी है, तुम्हारी तृष्णा बड़ी है, तुम अंदर से बहुत पीड़ित हो उस तृष्णा के कारण से, क्योंकि इतनी पीड़ा नहीं होती तो ऐसा कार्य नहीं। जो आदमी 4 घंटे लगा के खाना बनाए और 15 मिनट में खा ले, उसकी स्वाद की पीड़ा अधिक थी या जो 15 मिनट में बनाए और 15 मिनट में खा ले उसकी स्वाद की पीड़ा अधिक थी? मुझे वकील कैसे पता चला हमें ये बात कि इसकी पीड़ा अधिक थी कि 4 घंटे इतनी मेहनत करके, पहले प्लानिंग करके, एक एक इंग्रेडिएंट नोट डाउन करके, फिर बाजार जाके, फिर लाकर, फिर इंस्ट्रक्शन देके, फिर बैठकर 4 घंटे में इसे जाके चीज बनाई, 15 मिनट में स्वाद में खत्म। कितनी प्रॉब्लम थी इसको उस स्वाद की, प्रॉब्लम थी ना अंदर से, कितनी तड़पन थी उस स्वाद की कि इसको 4 घंटे ज्यादा नहीं लगे तो 15 मिनट के स्वाद के लिए। मुझे ऐसा विकल्प आया बहुत, और मैं खुद भी उस शिकार थी समझो उसकी। हम वेकेशन करते हैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की, उसकी प्लानिंग करते हैं 2 महीने, कितना टाइम लगा देते हैं, जितने मिनट घंटे एंजॉय नहीं करते होंगे उस वेकेशन में, उससे ज्यादा घंटे उसकी बुकिंग, प्लानिंग, चर्चा, विचार, खरीदारी, खाना पीना, व्यवस्था, और वो पीड़ा नहीं होती तो वो कार्य कैसे होता है? यहाँ ये वाला उदाहरण भी दिया, वो संसार दर्शन वाला उदाहरण दिया था ना एक बार आपको, कि वो आदमी हाथी पीछे पड़ गया था और पेड़ से लटक रहा था और मुंह में इसकी बूंद आ रही थी, बहुत फेमस संसार दर्शन, उसमें उसके मुंह पे जो शहद की बूंदें आ रही हैं, जिसके कारण, सुनना, जिसके कारण, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे भी मैंने बताया, किसको नहीं पता, हाथ खड़ा करो, सबको पता है। तो मुंह में जो शहद की बूंदें आ रही हैं, उसके कारण वो नीचे अजगर के मुंह में जाने तैयार है, क्रोकोडाइल के मुंह में जाने तैयार है, और ऊपर देवता आ रहे हैं उनका हाथ पकड़ने तैयार नहीं। उसको कितनी पीड़ा होगी, कितनी इच्छा होगी उस स्वाद की, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि नहीं लगाएगा, कि नहीं मेरे पीड़ा नहीं है स्वाद की, तो बेवकूफ है। अगर स्वाद की पीड़ा नहीं है तो फिर क्यों नहीं छोड़ देता, नहीं छोड़ने तैयार है। जो व्यक्ति है उसको पीड़ा नहीं लगती, जो
पीड़ा है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो देवगति के जीवों को पीड़ा है। और इसमें तो ये उदाहरण आया हमने चंद्राचार्य की टीका में कि भृगु प्रपात के समान, भृगु प्रपात यानी कि जैसे पर्वत की चोटी से एक आदमी कूद पड़ता है, ऐसे ही जीव विषय भोगों में कूद पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी आत्महत्या करता है ना, उसको कोई कष्ट होता है, कुछ वेदना होती है, वो पीड़ित होता है, और जो पीड़ा होती है वो उससे असहनीय हो जाती है। तो एट एनी गिवन कॉस्ट ही वॉन्ट्स टू जंप। वो जंपिंग का एक्ट इस बात को बता रहा है कि उसकी पीड़ा कितनी तीव्र है। स्वभाव से वो कितना दुखी है कि मौसम तो खराब नहीं था लेकिन आज कूदने की क्या जरूरत थी, हा? खाना तो मिल रहा था, इसको कूदने की क्या जरूरत थी? कि तुझे जिसकी वजह से लगता है कि ये कारण या वो कारण होएगा, वो कारण नहीं था, सुनना, स्वभाव से ही वो दुखी था। इट इज नॉट अबाउट गेटिंग द थिंग्स राइट, इट इज अबाउट इंटरनली तुम डिस्टर्ब दो। एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं आपको कि प्रॉब्लम हम बाहर ढूंढते हैं, बराबर, कि नहीं उसने किया क्यों, आत्महत्या क्यों की उसने, आप मुझे गड़बड़ क्या हो गई थी, कुछ किसी ने कुछ कह दिया कि किसी ने धोखा दे दिया, कुछ तो हुआ होगा ना, कि नहीं वो अंदर से ही डिस्टर्ब। अंदर से डिस्टर्ब आदमी को एक्सक्यूज खोजने में देरी नहीं लगती, कोई भी एक्सक्यूज उसके लिए बड़ा हो सकता, कोई भी एक्सक्यूज मिल जाएगा। प्रॉब्लम एक्सक्यूज की नहीं है, प्रॉब्लम संयोगों की नहीं है, वो संयोग सबके लिए सेम है, कुछ लोग उससे भी ज्यादा एडवर्सिटीज में भी निकल जाते हैं। लेकिन जिस आदमी ने आत्महत्या करी है वो उस पर्टिकुलर चीज को नहीं कर पाया हैंडल, क्योंकि वो इंटरनल उसमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। ऐसे ही बोलेंगे ना कि नहीं बोलेंगे हम, कि नहीं उनने मुझे चोर बोल कैसे दिया, लोगों को हत्यारा बोल देते हैं, लोगों को लुटेरा बोल देते हैं, देखो किसी ने चोर बोल दिया तो तू आत्महत्या कर लेगा। प्रॉब्लम चोर बोलने की थी कि प्रॉब्लम उसकी इंटरनल थी? मुझे 100% इंटरनल थी। हमारे भी प्रॉब्लम पुण्य के होते, पाप के होते, भूमों की नहीं है, प्रॉब्लम स्वभाव में है हमारे, स्वभाव से दुखी है हम, बेसिकली वी आर होपलेस पीपल, नो सीरियसली अंदर से ही दुखी हैं हम, प्राणी दुखी हैं, बहाने हम ढूंढ लेंगे दुखी होने के लिए, आप चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं। जो अंदर से खुश होता है वो बहाने खुश होने के ढूंढ लेता है, जो अंदर से खुश होता है वो तितली को उड़ते हुए देख के भी चहक उठता है, और जो अंदर से दुखी होता है वो बारिश आते हुए भी सोचता है कि बादल रो रहे हैं, सारी दुनिया रो रही है, मैं भी रो रहा हूं। द प्रॉब्लम इज यू। इन्होंने कहा कि जो एक्सट्रीम केस है संसार में भोगों वाला, हमारे तो फिर भी बहुत सारे इश्यूज हैं भोगों में, इतने आराम से भोग होते नहीं है, 4 घंटे बनाना पड़ता है, फिर 15 मिनट खाने मिलता है, लेकिन देवताओं के तो कोई इश्यू नहीं है ना, उनको तो सारी अनुकूलता मिली है, कि उनके केस में भी वो जिस हिसाब से आगे जाकर उदाहरण आएगा दूसरे गाथा की टीका में, कि जोंक होती है ना, जैसे जोंक मतलब आप समझते हो, नहीं पता, जोंक होती है, जोंक वो लीच को यदि आप खींचने की कोशिश करो जब वो खून चूस रही होती है, तो मरने की कीमत पर वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? उसको कितनी पीड़ा है इंटरनली, स्वभाव से ही वो कितनी लालची है, उसे बर्दाश्त नहीं होती है वो भूख, तो जब उसे मिल जाता है तो वो उसे मरण की कीमत पर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे हम मरण की कीमत पर भी भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो मरण की कीमत वो है ना, एक आप देखो ना, एक इंद्रिय विषय के लिए मरण की कीमत पर मर जाते हैं, 5 इंद्रियों के उदाहरण आते हैं, स्पर्श इंद्रिय के लिए हाथी का उदाहरण आता है, दीपक और चक्षु इंद्रिय के लिए उसका आता है, क्या जुगनू का जो भी बोलो,
पतंगे, तो पतंगे को आप सोचो कितनी पीड़ा होगी उस प्रिय रम्य वस्तु के जो दिख रही है इतनी अच्छी अग्नि जैसी उसके नहीं मिलने की, कि जलने की कीमत पे उसमें जाने के लिए तैयार है ना। जो बहुत प्यार करता है वो क्या बोलता है, तू नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, तू नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगा। इसका मतलब क्या, किसको राग बहुत तीव्र है ना, तो वो देवव्रती के जो जीव हैं वो स्वभाव से कितने पीड़ित हैं कि वो इंद्रिय विषयों में भृगु प्रपात के समान, यानी कि जैसे ये इंद्रिय के विषयों में कूद पड़ते हैं मरने की कीमत पे। पता है वो देवव्रती के जीवों को ये पता है कि ये जो भोग भोग रहे हैं उसके फल में उन्हें एक इंद्रिय पर्याय मिली थी, पता है आपको, पता क्यों नहीं पता चल सकता है, अवधि ज्ञान है। केवली भगवान के समाचरण में जाके तीन भाव पहले के तीन भाव बाद के दिख जाते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी साइंस है ना, आपको भी पता है तो देवगति के जीवों को नहीं पता होगा, तो जीतू भाई को भी मालूम है ना ये बात। तो आपने पूरा जीवन अगर भोग भोगने में बिताया तो आप कहाँ जाओगे, नरक जाओगे, निगोज जाओगे, जहाँ भी जाओगे अच्छी जगह तो नहीं जाओगे, सबको पता है ना, 100% सबको पता है। वो तो शास्त्र अभ्यास करती है उनको पता है, पर तो देवलोक को नहीं। मैं तो उनकी बात करती हूँ जिनको पता है, आप ये कहो मुझे, चलो दुनिया की जिम्मेदारी नहीं हमारी, जिसको पता है वो कूदता है कि नहीं कूदता है, पता होने वाला ना कूदे तो हम मान जाए। अरे आप ये तो बहुत क्षुद्र चीजों की बात कर रहे हो, राग द्वेष के अपराध की सजा है अनंत संसार। बताओ मुझे, नहीं पता आपने से किसी को, मुझे नहीं पता, राग द्वेष की सजा है अनंत संसार और वीतराग का रिवॉर्ड है मुक्ति, अभी मुक्ति और सारे कर्मों से भविष्य मुक्ति। करो करो रखो वीतराग का, करो सिंह छोड़ दो राग द्वेष। भृगु प्रपात में तो हम भी पढ़ रहे हैं, मतलब हम भी कितने पीड़ित हैं, जरा सोचा इस बारे में। ये बोल रहे हैं कि देवगति के जीव में तुम्हें देवगति जाना है ना, तुमको इंद्र बनना है, तुमको संसार की सारी अनुकूलता चाहिए ना, चक्रवर्ती का तो फिर भी अपमान होता है, इंद्र का तो कभी अपमान नहीं हुआ, कुंडाल सर्पिणी निकाल देगी बराबर। इंद्र को तो चक्रवर्ती से ज्यादा भोग मिले हैं कि नहीं मिले, चक्रवर्ती को खाना तो खाता है कम से कम, इंद्र को तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चक्रवर्ती को थोड़ी तो पॉलिटिक्स मैनेज करनी पड़ती है, इंद्र को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ तुम देवगति के इंद्र बन जाना, दैट इज द आइडियल ना, सबका सपना, संसारी जीवों का सपना क्या होता है कि मैं इंद्र बन जाऊं, कि इंद्र भी स्वभाव से कैसे दुखी है देखा तुमने, वो भी देह की वेदना से पीड़ित है। अब बहुत ब्यूटीफुल बात आएगी इसके बाद, वो बोलते हैं कि देह की वेदना से नारकी भी पीड़ित है, प्रतिकूल संयोग वाले भी पीड़ित हैं, अनुकूल संयोग वाले भी पीड़ित हैं, तो पीड़ा तो खत्म ही नहीं होती। तो जब पीड़ा खत्म ही नहीं होनी है शरीर की, तो फिर पुण्य और पाप में अंतर क्या रहा, मुझे ये बताओ, शुभ और अशुभ परिणाम में क्या अंतर रहा ये बताओ। आप बोलते ना पाप करेंगे पुण्य करें, पाप करेंगे पुण्य करें, मैं बोलूं जो हो सब हो जाए, क्यों, कि पाप हो जाए तो अरे हो जाएगा क्यों, क्योंकि पाप के फल में भी देह की पीड़ा मिलनी है और पुण्य के फल में भी देह की पीड़ा मिलनी है। पाप के फल में भी अंदर से अशांत रहोगे आकुलित रहोगे, और पुण्य के फल में भी अंदर से अशांत रहोगे आकुलित रहोगे, शांत और आकुलता तो सब जगह रहनी है। तो क्या फर्क पड़ा कि पुण्य कमा लिया कि पाप कमा लिया और उदय में क्या आ गया, क्या फर्क पड़ा कि नरक चले गए कि देवगति चले गए, तुमको तो स्वभाव से दुखी हो, जहां जाओगे दुखी रहेंगे। बिल्कुल वीतराग का उससे आकुलता जाती है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं रिसेंटली हम आशीष के ऑफिस के बॉस की वाइफ की उसमें गए, बिग पीपल, वेरी रिच पीपल, करोड़ोंपति, मतलब नौकरों की तो लाइन लगी हुई है, ठीक है, 8-10-15 जन की पार्टी में 10 तो नौकर थे सर्व करने के लिए। अब कोई नॉर्मल हमारे घर में जब पार्टी होती है, हमारे पास तो एक आधी नौकर होता है, वो भी छुट्टी पे चला जाता है लेकिन तो भी तो हम किस में बिजी रहते हैं,
व्यवस्था करने में, हम भी वैसी व्यवस्था में बिजी रहते हैं ना, पहले प्लानिंग होती है मेन्यू की, फिर मंगाया जाता है, फिर उसके बाद में वॉट आर वी बिजी इन, राइट टाइम पे सर्व हो रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, हो सकता है थोड़ा दो प्लेट हम भी ले आते होंगे, तो वॉट एवर, तो पूरी पार्टी में हमारे दिमाग में एक मेन्यू धारा चलती है, एक सर्विंग धारा चलती है और एक गेस्ट धारा चलती है, ऐसे ही होता है ना अपने साथ भी। अब वो जैसे करोड़पति की वाइफ सी फेसिंग फ्लैट के टेरेस के ऊपर परफेक्टली मेंटेन्ड के ऊपर पार्टी में, वो 10 जन एकदम व्हाइट कलर के कपड़े पहन के, व्हाइट शूज पहन के सर्विंग करने के लिए, यू नो फैंसी कटलरी में सब रेडी, उसमें भी वो किसमें बिजी। नाउ गेट द विटामिन टैब्स, सो वी देयर इज वेल हियर आल्सो, नो 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 दीज आर जस्ट परफेक्ट, मतलब दिमाग आकुलता, मैं तो वो बता रही हूँ पूरे टाइम किसमें बिजी था आदमी, ओ यू लाइक द पनीर और यू लाइक दिस, यू आर सपोज टू पुट दिस मसाला इन दिस, यू ओनली आर सपोज टू पुट हियर, पूरे टाइम समझो पार्टी में जो आप एंजॉय कर रहे हो, तो मुझ में और उसमें फर्क क्या रहा मुझे, उसकी भी वही मेन्यू धारा सर्व धारा चल रही है, मेरी भी मेन्यू धारा सर्व धारा चलती है, फिर पता चला कि वो 1000 करोड़ का मालिक जो उसका हस्बैंड वो ऑफिस है, मालिक ऑफिस का मालिक जिसमें 1000 लोग काम करते हैं, ऑफिस का मालिक वो 4:30 बजे इसलिए ऑफिस से घर चला गया क्योंकि रात में पार्टी है और टेरिस के ऊपर 2 बल्ब खराब हो गए थे, जो 1-1 करोड़ की सैलरी वाले एडमिन वाले आदमी को एम्प्लॉय करते हैं, अपनी टेरिस का बल्ब ठीक करने के लिए 4:30 बजे हो गए। मतलब पॉइंट देगा कि तुम्हारी भी वही चली, हमारी भी वही चली, धीरू भाई अंबानी की फैमिली में भी आप लोगों को ले लो, उनके यहाँ भी वही चलता है, उनको भी जब कितनी कप और वो सॉकर खरीदने थे उनके एंटीलिया के लिए, तो वो श्रीलंका जाके नेगोशिएट करके सेम टाइप की वो खरीद के लाई, हम अल्फा जाके ले आते हैं। मतलब हुआ क्या मुझे ये बताओ, डिफरेंस क्या हुआ, उनका सब्जेक्ट चेंज हो गया लेकिन आकुलता पीड़ा कहाँ खत्म हुई, मुझे ये बात विकल्प कहाँ खत्म हुई, वो कौन से निश्चिंत हो गए है? कि भैया हम तो सोचते हैं कि चलो भाई अपने पास ना 10-15-20-50 करोड़ हो जाएंगे फिर अपने को जरूरत नहीं है ज्यादा पैसे की, हम रिटायर हो सकते हैं, जिनके पास 5,000 करोड़ है 50,000 करोड़ है वो रिटायर हो गए क्या, उनने ऐसा क्या कर लिया जो हम करना चाहते हैं। वैसे वो स्पेशली ग्रांटेड निदान बंद नाम की वस्तु होती है जनरल में, रोड के ऊपर ऐसे घुड़के करके सोते हैं लोग, फिजिकली वॉक एंड देन यू सी गेट टायर्ड प्रॉपरली, एंड आई वॉक 20 किलोमीटर्स अ डे एंड यू टेल मी व्हाट टू बी टायर्ड एंड आई स्टिल मेंटल, बट व्हाट एवर, मैं बोल रही हूँ हम स्वभाव से दुखी हैं, आप समझो बात फिजिकल है ही नहीं, बात संयोगों की है ही नहीं, बात है कि तुम अंदर से दुखी हो प्राणी, ये कह रही हूं, सो स्टॉप लुकिंग एट अदर थिंग्स, तुम्हें शांति नहीं मिलनी है, मेरा ये कहना, मतलब मेरे पास एग्जाम्पल इतने सारे क्रॉप हो रहे हैं दुनिया भर के इधर उधर के, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कैसे बताऊं, सच बताऊं, अपने आसपास के लोगों में देख लेना, कुछ लोग होते हैं ना उनको हर चीज में प्रॉब्लम होती है, ये आलसी है, ये कोई काम नहीं करना चाहता है, ये लेजी है, पता है उसका पूरा दिमाग इसी में ही रहता है, मतलब पूरे टाइम उनका ना मतलब प्रॉब्लम उनके आसपास के सारे लोग खराब है, प्रॉब्लम है कि वो हर एक की कमजोरी देखता है, हो कि नहीं हो उससे मतलब नहीं है, ये अंदर से दुखी है, इसको अंदर से सबकी कमियां देखनी है, इसको सबकी बुराई करनी है, इसको शांति नहीं मिलती उसके वजह से। एक और मैंने कल ही फॉरवर्ड पढ़ा, इसमें बहुत फनी था, वो बोले कि
मतलब एक्सक्यूज मी फॉर द वर्ड्स जो फॉरवर्ड था मैं वही बता रही हूँ, उसमें लिखा कि यदि जहन्नुम भी पहुंच जाएंगे ना मैन, मतलब नरक पहुंच जाएंगे मैन, तो भी वो आपस में पता है कैसे बात करते हैं, मैन विल बी मैन। तो बोलते हैं, वो बोलते हैं यार वो यमराज की वाइफ तो आप थी, उसने लिखा था फॉरवर्ड में, दिस द वे दे वेंट टॉक। एंड वो बोले कि यदि विमेन देवगति भी पहुंच जाएंगी ना, तो पता है व्हाट दे विल से कि यार वो अप्सरा है लोअर ड्रेसिंग से। तो मैंने व्हाट प्रॉब्लम किसकी है, मुझे अंदर की प्रॉब्लम है ना, स्वभाव की प्रॉब्लम। उसको अप्सरा का भी ड्रेसिंग सेंस खराब दिखता है, इसकी दृष्टि वही रहती है भोगों में। मैं नहीं बोल रही हूँ भोगों में से कोई राइट है रॉन्ग है, मैं ये बोल रही हूँ प्रॉब्लम स्वभाव में है ये बात, कि वहां भी जाओगे तुम अशांत रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। वो जो ट्यूशन सर है ना, वो सर्वेंट भी बन गया ना, वो शांति से नहीं सो पाए। मुझे समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, आपका कल्याण नहीं होना, आपका कल्याण नहीं होना, मेरा कल्याण नहीं होना। क्यों? क्योंकि दुनिया तुम्हें जो नजर आ रही है तो तुम उसकी एक अपेक्षा, एक पर्याय, एक एस्पेक्ट देखते हो और तुमको लगता है वो सुखी है। तुमको मालूम है वो किसके थ्रू गुजर रहा है, किसको बोलो। एक और कौन सा क्रिकेट का कोई सीरियल देखा मैंने, उसमें वो दिखाते हैं कि वो जो एक बहुत ही शेड्यूल कास्ट गरीब धोबी का बेटा वो क्रिकेटर बन जाता है। नया नया जब से इंडियन क्रिकेट टीम में लिया जाता है तो वो पिताजी को जब बुलाता है वहां पर, तो वो चाय कॉफी पिला रहा होता है, तो फाइव-स्टार होटल में रहते हैं क्रिकेटर्स तो गेम खेलते हैं, तो वो बोलता है बेटा तुम ये रोज 500 रुपए की चाय पीते हो, फॉर हिम इट इज लाइक। और उसमें ऐसे पूरा क्लोजअप दिखाते हैं सीन्स में, केक्स, पेस्ट्री, स्टार्स, कपकेक्स, मतलब ऐसे फुल एलिगेंट स्प्रेड। तो ऐसा दिखता है कि तुम जो चाहो इसमें से खा लेते हो, मतलब घी के लिए ये तो स्वर्ग में है, ये बेटा तो स्वर्ग में पहुंच चुका है। और वो बेटा वो बोला हाँ हमारे और हमारे गेस्ट के लिए सब फ्री है। वो बोले सर पापा आप चले जाओ, ये दुनिया बहुत गंदी है, क्योंकि वहां मैच फिक्सिंग के लिए उसको बहुत प्रताड़ित, उसको गालियां दी जा रही होती हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ही इज लाइक वेरी टॉर्चर्ड, लिटरली टॉर्चर्ड इन ऑल द सेंसेस। तो उसको दिखाते हैं कि बाप सोच रहा है कि अरे तो स्वर्ग में पहुंच गया। हम में से कई लोग भी देखे अरे क्रिकेटर का बड़ा मजा है यार, मतलब होटल में रहने का सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो खाओ पियो करो कुछ नहीं, और दिन भर काम किया, बस अपनी प्रैक्टिस करो, बस अपनी एक्सरसाइज करो, बस जिम जाओ जाके खेल लो, सबको ऑटोग्राफ दे दो, वाह 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 वाह। वहां पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, स्वभाव स्वभाव से ही दुखी है। बाहर अनुकूलता संयोग की नहीं है, बात अंदर से ही प्रॉब्लम है। तो यहां पे मैं इसका एक बार पढ़ती हूँ, इंद्रिय सुख भाजनों में देवगति के देव प्रधान है, यानी कि इंद्रिय सुख की जो मैक्सिमम पराकाष्ठा है वो है समझो देवगति के देवों में। तो उनका एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं लिया, तुम तो वैसे ही दुखी हो हर हिसाब से। वस्तुतः उनके भी स्वाभाविक सुख नहीं है, मतलब जब वो उनके जैसे भी सुखी नहीं हो पाए तुम बोलोगे सुखी कैसे, अपितु उनके स्वाभाविक दुखी देखा जाता है, क्योंकि पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से। इस शरीर को पिशाच बोला, पंचेंद्रिय विषय को पिशाच बोला, वो ऐसा पीड़ित रखता है उसको, विषयों की जो इच्छा है वो उसे ऐसे जकड़े रहती है कि परवश होने से, इस पीड़ा से परवश, यानी कि उसके कंट्रोल में आ चुका है ये शरीर, इसको जहां ले जाएगा ये इच्छाएं, इसको जहां ले जाएगी इसकी तृष्णा, इससे जो करवाएगी ये वो करने देगा। तो क्या करता है, भृगु प्रपात के समान, यानी कि पर्वत की चोटी से जैसे कोई कूद जाए, ऐसे मनों के विषयों की ओर दौड़ते हैं, यानी कूद जाते हैं विषय भोगों में। जो लोग वो लेते हैं ड्रग्स, क्या करते हैं वो उसकी विषय भोगों की पीड़ा इतनी अधिक हो जाती है कि वो जानते हैं मर जाऊंगा पर उसमें कूद जाना चाहते, उनकी बात नहीं अपनी भी बात नहीं, हमारी भी ऐसी विषय भोगों की पीड़ा है। अब मैं नेक्स्ट वाला बताती हूँ, इसमें वो वाली बात आएगी जो मैंने कहा कि दोनों में सिर्फ फर्क क्या रहा। नर नारय क्रिय सुरा भजंती जदि देह संभवम दुखम कि हिसो सुहोवा असुहो उभोगो हब्दी जीवाणम,
नर यानी नर मनुष्य गति का जीव, नारे यानी कि नारकी, तिरिय यानी कि तिर्यंश गति और सुरा यानी कि देव गति। तो नर नारे तिरिय सुरा यानी चारों गति के जीव भजंती यदि भोगते हैं यदि देह संभवम दुखम, देह से उत्पन्न दुख को चारों इक्वली भोगते हैं, वो ये कहते हैं। बोलो मतलब देव गति के जीवों को भी शरीर का जितना दुख है, नरक गति के जीवों को भी शरीर का उतना ही दुख है, उससे ज्यादा नहीं है। मनुष्य गति और तिरंज गति के जीवों को भी शरीर से उत्पन्न दुख तो उतना ही है, इक्वल, वी आर एट पार। नीता अंबानी में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात? हम भी कब खरीदते हैं, वो भी कब खरीदती है, देयर इज नो डिफरेंस। तो स्टॉप टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट द डिफरेंसेस ऑल द टाइम, स्टॉप एस्पायरिंग टू बी देयर। जहां पहुंच के भी आपको लगेगा कि यहां पे भी तो वैसे ही है जैसा कि पहले था, फर्क क्या हो गया, बदला क्या है, यहां पे कुछ तो नहीं बदला। देर गति जाके भी आपको लगेगा कि आई वॉज इक्वली यू नो सुखी दुखी व्हाटएवर इन मनुष्य गति, और कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमें तो यहां। तो नर नारय तिरिय सुरा चारों गतियों में देह से उत्पन्न होने वाला दुख तो सेम है, एग्जैक्टली सेम। फिर किहसो सुहो वा असुहो उगो, किहसो फिर क्या फर्क पड़ा सुहो यानी शुभ या अशुभ उपयोग में, हवदी जीवाणु उन जीवों के शुभ या अशुभ उपयोग में फिर फर्क क्या रह गया? ये किन लोगों को बोला जा रहा है जो सारे शुभ परिणाम के लिए, शुभोपयोग के लिए, पुण्य के लिए मरे जा रहे हैं पूरे जीवन में? वो कह रहे हैं कि क्या अचीव कर लोगे के बाल, और इतनी ब्यूटीफुल चीज आने वाली है। वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली मैम बोले हृदय विदारक है ये वाली बात, बोले पुण्य का उदय पाप का ही बीज है। वो ही नहीं वाली, तुमको जब भी पुण्य का उदय आएगा तो क्या होगा बताओ? तृष्णा होगी और तुम भोगोगे, तो ये क्या इंश्योर कर रहा है पता है कि आप निगोद जाओ। पुण्य का उदय जितना ज्यादा आएगा वो ये इंश्योर करेगा कि आप उतना ही अधोगति जाओ। चलो मैं आपको जी तो एक सिचुएशन देती हूँ और आप मुझे सच बताना क्या करोगे। आपको बोला किसी ने, भगवान ने आपके वरदान दिया, चलो है कि आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है, जितना आप पैसा चाहोगे ना, आप बस बोल देना 100% आप उतने करोड़पति इस दुनिया में बन सकते हो, एंश्योर्ड है पक्का 100%। सिर्फ दो चार कंडीशन है छोटी मोटी की, वो मैं आपको बता देती हूँ कि तुम जब बहुत करोड़पति हो जाओगे, फाइनली एक तो तुम्हारी हत्या होगी पैसे की, जो पैसा तुम्हें कमाओगे ना इसके कारण ही तुमको मारा जाएगा, तुमको टॉर्चर कर करके मारा जाए, और एक दो चीजें और होंगी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, कि तुम्हें जो इतना पैसा कमा लोगे ना, इसकी वजह से ये जितने भी तुमको दिख रहे हैं ना तुम्हारे सगे संबंधी, ये सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं होएगा, बस एक चीज और होगी कि तुम्हारा जो ये पैसा आएगा ना, इसकी वजह से शरीर पूरा सड़ जाए बस, बाकी ये पैसा तो मतलब चक्रवर्ती वाला पुण्य मिलेगा तुमको, सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए। मुझे बताओ कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसी बात करते हो, हैं हैं? नहीं क्यों नहीं नहीं चाहिए? तो देवगति का सुख और क्या है, देवगति का सुख और क्या है कि उसके बाद एक इंद्रिय होने की गारंटी है, गारंटी के साथ आ रहा है ना वो पुण्य का उदय, वो भोग जो मिलेंगे तुमको, चाहे इस शरीर में मिले चाहे वैसे मिलेंगे, गारंटी करेंगे कि तुम्हें एक इंद्रिय में जा, तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम मेंटली बहुत डिप्रेशन में, आकुलता में, टेंशन में रहोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देव गति के जीव आकुलता में ही तो जिएंगे, निराकुल होकर तो नहीं जी रहे हैं ना, उनके तो शरीर की वेदना उतनी है जितने की दूसरे की है,
और सारे संयोग छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं, पता है देव गति में जाते हो तो वो क्या नंबर बताया था, मैं तो भूल जाती हूँ नंबर, इतनी पल्य इंद्राणियां चेंज हो जाती हैं, हजारों लाखों करोड़ों टाइप का नंबर है, एक देवता की लाइफ में इतनी इंद्राणियां चेंज हो जाती है क्योंकि उनकी लाइफ इतनी सी होती है, इनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, तब छूट जाएंगे, तुम वहीं पड़े रहोगे। तुमको ये सारी जो अनुकूलता चाहिए शरीर की, तुमको ये सारे भोग चाहिए दुनिया भर के, वो सारे भोग मिलेंगे, इस कीमत पे मिलेंगे, इसकी गारंटी है ना। अभी संसार में भी अगर बात करो तो मैं आपसे एक बार पूछ रही हूँ, ठीक है, जनरली मुझे एक आदमी सक्सेसफुल दिखाना जो पावर से या पैसे से बहुत बड़ा बन चुका है और उसकी वजह से उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आई, वो मैंने कह दिया तो बुरी लग रही है, सच में देखा जाए तो जो करोड़पति बन जाता है उसको अंडरवर्ल्ड उसके पीछे लगता है कि नहीं लगता है बताना। ये वो जैसे क्रिकेटर का बताया, तुम जितने टॉप के क्रिकेटर बन जाओगे उतना तुम्हारे ऊपर प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे कि नहीं, हर तरफ से ये कर वरना तेरी फैमिली के टांग तोड़ देंगे, ये कर नहीं तो देखो हम देखो हर ये केस में फंसा देंगे, उधर फंसा देंगे, हमारी मांग मैच फिक्सिंग कर, नहीं करेगा तो हम देखो कितनी कितनी प्रताड़ना, शांति से जीने नहीं दो, कोई काम ढंग से करने नहीं दो। आए दिन नोटिसेस आते हैं बड़े लोगों के घर में, कभी दाऊद का, कभी पॉलिटिशियन का, कभी इसका कभी उसका, तुमको इतना पैसा मिलेगा तो मैं सिर्फ आपको काल्पनिक बता रही हूँ कि सच्ची में ये सारे तत्व आके भिनभिनाने लगते हैं आसपास आके, बताना सच्ची में बता, होते ही है ना सच्ची में, उसके कारण भाई भाई में और रिश्तेदारों में झगड़ा होता है कि नहीं होता है सच्ची में, जितने तुम भोगों में शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, जो जो भी करोगे तो शरीर सड़ता है कि नहीं सड़ता है, मतलब गलत बोला कि सही बोला, मुझे फैक्ट तो यही है, तो तुमको चाहिए क्यों, फिर ये सब क्यों चाहिए बताओ, मतलब इट इज अ श्योर शॉर्ट रेसिपी टू डिजास्टर। मैं बोल रही हूं पुण्य का उदय पाप का ही बीज है, पाप के वृक्ष का बीज है, यानी कि जितना ये तुम्हें ज्यादा चाहिए ना, ये एंश्योर करेगा कि तुम्हारा इतना बड़ा पतन होगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, ये फैक्ट है। तो मुझे बोलो दो इंसेंटिव थे, दोनों ही खत्म हो गए, देव बनने के दो इंसेंटिव थे, क्या एक तो मजा आएगा भोगो, स्वभाव से तो तू आकुलता में ही रहने वाला है प्रति समय, कि दूसरा इंसेंटिव कि नहीं फिर देवता बनूंगा, फिर राजा बनूंगा, फिर देवता बनूंगा, फिर राजा बनूंगा, फिर देवता बनूंगा, ऐसे ही संसार चलता है, तो आई एम हैप्पी विद दैट, राजा नहीं बनेगा, निगोद जाएगा, निगोद शॉर्ट शॉर्ट रेसिपी टू डिजास्टर। बनना है हमें चाहिए ये सारी अनुकूलता, मतलब पुण्य का उदय इस चीज को एंश्योर करता है कि तुम्हारे वृक्ष पाप का लगेगा। और यदि मैं करनानियों की अपेक्षा बात करना चाहूं, और आप में से कुछ लोग अगर इस बात को जानते हो तो मैं दो मिनट में ये बात भी बताऊं कि जो साधक 2000 सागर के लिए निकलता है ना और उत्कृष्टतम सारी पर्यायों को लेके जाता है, ऐसा कहते हैं कि वो जब निगोद में जाता है तो वो अब असंख्यात टाइम तक वापस नहीं आएगा, जो यहाँ कम टाइम लेके वहां जाता है वो तो कम टाइम में वापस भी आ जाता है, करनानियों के अनुसार बता रही हूँ, गोबर सार में लिखा है, लेकिन जो मैक्सिमम यूटिलाइज करके जाता है वो लंबे टाइम तक के लिए गया। बोलो मर गए ना हम तो, यहाँ के भी नहीं वहां के भी, यहाँ ज्यादा फायदा उठा लिया तो वहां ज्यादा अंदर घुसा दिया, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब सुनना है इसकी जो टीका में है, मनुष्य नार की तिरंच और देव यदि ये सभी देहजन्य दुख को अनुभव करते हैं, यानी सभी देह के दुख को इक्वली अनुभव करते हैं, तो फिर जीवों का वह उपयोग शुभ और अशुभ दो प्रकार का कैसे है, एक ही प्रकार का है, सब पाप ही है। शुभ किसे कहते हो, शुभ है यूजलेस, क्योंकि देव गति जाकर भी वो तुमको ऐसे ही दुखी करना है, पैसा कमाकर भी ऐसे ही करना है, आपकी 96,000 आने हो जाएंगी तो आपको पता है ज्यादा सुखी होगे कि दुखी होगे, एनी आइडिया, अरे 2 में नहीं संभला जाता, 4 में नहीं संभला जाता, 6 में नहीं संभला जाता, 96,000 में वो बेचारा मैनेज कैसे करता आएगा, सोचा है कभी इस बारे में, ये एक एसेट है कि लायबिलिटी है,
तो जितने भोग तुम सोच रहे हो एक एक भोग मिल जाएंगे उतने ही दुबा रहेंगे तो हमें। अब ये वाला इसके टीका करके खत्म करती हूँ, फिर नेक्स्ट में लूंगी। यदि शुभोपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले देवादिक, मतलब शुभोपयोग से जो पुण्य होता है उसके उदय से जो आपको संपत्ति मिलती है, भोग मिलती है, ऐसे देव, और अशुभोपयोग जन्य उदयगत पाप की विपत्ति वाले नारकादिक, दोनों का एग्जाम्पल ले लिया इक्वली, अशुभ की वजह से पाप की वजह से जो विपत्ति मिली ऐसे नारकी, दोनों ही स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण, दोनों को ही शांति नहीं है, अविशेष रूप से यानी इक्वली पंचेंद्रियात्मक शरीर संबंधी दुख का अनुभव करते, इक्वली पांच इंद्रियों के विषयों के भोगों की इच्छा है और शरीर की पीड़ा है, इक्वल है उनको। तब फिर परमार्थ से शुभ और अशुभ उपयोग की पृथक व्यवस्था नहीं रहती। व्हाट इज गुड एंड बैड देन, एवरीथिंग इज इक्वली बैड। इसका एक उदाहरण वो भी आता है कि कोई आदमी को ऐसा पुण्य का उदय मिला कि खूब खुजा सकता है, ही इज केपेबल ऑफ खुजाना। अरे खुजाने का मतलब क्या है? की पीड़ा है। तो यही तो है, यही बात उसकी अगली कथा में आ रही है कि वो बताएंगे कि कैसे तृष्णा के कारण ये सब हो रहा है, विषय तृष्णा के कारण। और आज का समय हो गया है तो 73, 74 और 75 ये तीनों को मैं नेक्स्ट में लूंगी, पर आप चाहो तो प्लीज पढ़ के आना, बहुत ही सुंदर विषय है और ऐसा हिला देगा, मतलब मैं तो बहुत हिली हुई हूँ, आप लोग का पता नहीं मुझे, लेकिन जितने ने इसको 20 बार पढ़ लिया तो भी मेरा पेट नहीं भर रहा है, मतलब इतना एक एक लाइन में एक एक बात ऐसी खोली है कि ऐसा लगता है कि हम कितना असार प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं, मतलब वाकई में रेत में से तेल निकालने के लिए मरे जा रहे हैं और वहां से कुछ निकलने ही नहीं, ये बात यहाँ पे आती है। इसके साथ आज का तो ये करती हूँ, फिर अगले बात में हूँ, नेक्स्ट संडे तो हूँ, उसके बाद भी हूँ, आप लोग हो तो मैं हूँ। सहजानंदी शुद्ध Gracias.